फ्रेंड्स बात यह है कि भाई कल मेरे एग्जाम है और भाई मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ता हूँ। चले फ्रेंड्स भाई पढ़ाई शुरू करते हैं। यार इसमें तो मुझे कुछ देख नहीं रहा। ओह सॉरी भाई चश्मा, वो ऐसा है कि फ्रेंड्स मैं बहुत कम पढ़ता हूँ ना, तो इसमें मेरी हेडलाइट कमजोर हो गई है। वे लाइट किसने बुझा दी? मैं तो पूरी साल ना पढ़ा भाई, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे पप्पा बहुत मारेंगे मेरे को। ओह आइडिया, मेरे पास मोबाइल है भाई, सबके पास होता है। बहुत बढ़िया, ये भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, कितना मुश्किल है पढ़ना। यार प्रॉब्लम एक हो रही है भाई, बहुत देर होगी मुझे पढ़ते पढ़ते, लगभग एक मिनट तो हो गई है, तो यार मेरा हाथ दुख रहा है मोबाइल पकड़ते पकड़ते, ऊपर से फोकस नहीं हो पा रहा। और हाँ यार मोबाइल की बैटरी भी डाउन है। एक दिक्कत और हो रही है भाई, मैं ए सी पढ़ता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है यार। एक तो मैं पढ़ता लिखता भी नहीं, ऊपर से यार ए भगवान क्या कर रहा तू। एक तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ने भी नहीं दे रहा। चले रखते हैं भाई कोई जुगाड़ बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स भाई देख सकते हो कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट लाइफ में, जैसे मेरे साथ आ रही है। तो फ्रेंड्स आज हम सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे इस वीडियो में, बहुत मजा आएगा, कुछ नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ नया उखाड़ेंगे। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए भूत लग रहा हूं मैं आपको, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो चले फ्रेंड्स बुक को रखते हैं साइड में, और भाई जैसी जैसी हरकतें आज मेरे साथ हो रही है, लगता है फ्रेंड्स भगवान भी नहीं चाहते कि भाई मैं पढ़ूं। चले फ्रेंड्स तो पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात तो आपको पता होगी, ये प्रोजेक्ट हम किस चीज से बनाएंगे? पीवीसी शीट से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चले फ्रेंड्स फटाफट भाई इसका बॉक्स कटिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4 चार इंच और चार इंच, एक इंच और एक इंच। देखा फ्रेंड्स मेरे तीन हाथ हैं, एक ये रहा, एक जिससे मैं काट रहा हूँ, और एक हाथ ये रहा जिससे मैंने पकड़ रखा है प्रोजेक्ट को। तो लीजिए फ्रेंड्स बन चुका है बॉक्स बॉटम का। कहाँ जा रहा है भाई, इधर को आजा, तेरे तो बहुत सख्त जरूरत है। फ्रेंड्स यहाँ हम लेंगे 4 इंच का पीवीसी का पाइप, और मैंने इसे 1.5 इंच कट कर लिया है। तो चलिए भाई फटाफट इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स ये चिपक चुका है, और दोस्त आपने एक बात गौर की कि एक बहुत ही निहायत शरीफ और इज्जतदार लोंडे ने शर्ट चेंज कर लिया, पता हो गया आपको। चले फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे चाहिए मुझे एक 20 mm का पीवीसी का पाइप, देख सकते हो आप चाहो तो एक इंच 25 mm का पाइप भी ले सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स मुझे इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 20 mm का बहुत है यार दोस्तों। चलिए भाई इसके जुगाड़ बनाते हैं। इस पाइप की लेंथ है 13 इंच, और फ्रेंड्स मैं इसे इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों यह है कि भाई मैं इसे थोड़ा सा बैंड करना चाहता हूँ, और बैंड प्रोफेशनली होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई किसी ने कुछ किया है। तो चले फ्रेंड इसे बैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर जुगाड़ हो जाए तो बहुत आसान भी है। चले इसे रखते हैं साइड में और इस पर आते हैं। तो भाई यहाँ पे लेंगे कोई भी एक पेपर गत्ता, और भाई पाइप बहुत सीधा है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मेरी तरह हो जाए। एक तरफ से इसकी चोंच मैंने बंद कर दी है, और भाई यहाँ पे लेंगे सैंड रेत जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, देख सकते हो थोड़ा पास से देखते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, देखिए जिससे प्लास्टर होता है घर में आराम से आपको मिल जाएगा। या आप बालू रेत भी ले सकते हो, जो बदरपुरा वो भी ले सकते हो, डस्ट होती है वो भी ले सकते हो, मिट्टी भी ले सकते हो, ये भी ना मिलेगा तो इसके अंदर भाई भर दो। तो लीजिए भाई देखिए इतना मैंने इसे फिल किया है, अप्रॉक्स वही 75%। एक ले रहा हूँ मैं इंडक्शन चूल्हा, या फ्रेंड्स आपके घर में कोई गैस चूल्हा होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और भाई एक बर्तन लेंगे, और इसके अंदर जो रेत हमने फिल किया था उसे सारे इसके अंदर डाल देंगे, नहीं से नहीं निकलेगा ये भाई, निकल गया। चलिए चालू करते हैं, लगता है सूजी का हलवा बना रहे हैं। अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं भाई, कभी हाथ जल ना जाए, सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो भाई ये काफ़ी गर्म हो चुका है, ठीक है से अभी गर्म होने देते हैं, और भाई यहाँ पे पानी का रखना बहुत ज़रूरी है, वरना पाइप फट सकता है हमारा, सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। चलो भाई हो चुका है, अब मैं इसे करता हूँ बंद। हाँ लगता तो है गर्म हो गया साइड में, तो भाई इसे डालेंगे इसके अंदर सीधा। तो भाई
भाई काफी गर्म हो रहा है, जल गया जल गया जल गया जल गया। मत को दर्द नहीं होता बस भाई, भाई देखिए करना कुछ नहीं है, ग्लव्स की जरूरत नहीं है, तो साइड में पूरा पाइप गर्म हो गया, बस देखिए ग्लव्स की जरूरत है भाई, थोड़ा थोड़ा बस बैंड करते रहो। इस तरह से मोड़ेंगे और उसे डाल देंगे पानी में जिससे कि ठंडा हो जाए फटाफट। और ये निशान क्यों पड़ रहे हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। और भाई तुरंत वापस कर दो। रेत के खासियत है फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी निकल जाता है, अगर इसमें मिट्टी डालते तो वो क्या होते वो चिपक सकती थी, लेकिन ये चिपकेगा नहीं। तो ये बैंड हो चुका है, ऐसा लगता है जैसे मैं छतरी या अम्ब्रेला पकड़ रखा हूँ, उसका हैंडल पकड़ रखा हूँ। और भाई इसकी में कोई जरूरत नहीं, अभी हम निकाल लेते हैं। हो चुका है क्लीन। अब देखिए दोस्त यहाँ पे देख थोड़ी सिल्वरेड आपको यहाँ पर लग रही होंगी फ्रेंड्स, इस वजह से लगी है क्योंकि दोस्तों हमने इसको जो बैंड है वो काफ़ी कम किया है। अगर मैं इस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बैंड करता तो बिल्कुल भी यहाँ पे निशान नहीं आता। आप पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। चलिए फिलहाल दोस्तों इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी अच्छा ही लग रहा है देख सकते हैं। और चलिए इस पार्ट को यहाँ पे चिपका देते हैं। तो यहाँ तक तो ये बन चुका है, अब आते हैं इसकी लाइट पर, यानी कि जो पैन लैंप बनेगा इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 40 mm यानी कि 40 mm का PVC का पाइप। यहाँ मैंने 20 mm का पीस कट कर लिया है, 40 mm और 20 mm। तो यहाँ पर मैंने दो पीस कट किए हैं, एक तो देखिए बाहर सर्कल होगा देख इस तरीके से, और एक इसके अंदर जाएगा देख इस तरीके से। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने तीन होल कर दिए हैं, यहाँ पर मैं 3 LED यूज़ करने वाला हूँ। वैसे फ्रेंड्स 2 LED बहुत हैं पढ़ाई के लिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप 3 LED का यूज़ कर सकते हो, 4 का यूज़ कर सकते हो, 0.5 watt में 5 volt में 3 LED। यहाँ पर मैंने 3 LED पैरेलल में कनेक्ट किए, देखिए पॉजिटिव 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 मिला दिया एक साथ और वायर पे लगा दिया, ठीक है, और ये नेगेटिव एक साथ मिला दिया। फटाफट तैयार करते हैं भाई इसका लैंप। लैंप बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन फ्रेंड्स हमें इसे मूव कराना है, ठीक है, जिससे आप इसे एडजस्ट कर सको। भाई इसके लिए मैं छोटा सा PVC का पीस ले रहा हूँ, एक जुगाड़ करते हैं, ये ना भाई आपस में चिपका लेते हैं। फ्रेंड्स लैंप की लगभग बॉडी बनकर तैयार होगी, और देखिए ये कितना मस्त वर्क कर रहा है, देखिए यानी कि सामने तक आप इसे कर सकते हो, और देखिए किधर भी आप इसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, देखिए। और वायर फ्रेंड्स का देखिए ऐसे क्या है, और देखिए ये रहा, और काफ़ी अच्छी तरह वायर करेगा, सामने से आसानी से नहीं चमकेगा आपको, देखिए। और आप आते हैं फ्रेंड्स के फैन पर, लेकिन फ्रेंड मैं सोच रहा हूँ फैन लगाने से पहले मैं इस पर कलर कर देता हूँ, जिससे भाई थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए। स्प्रे करने से पहले मैं इसकी जो LED है वो इस कार्डबोर्ड से कवर कर लेता हूँ। A few moments later. तो भाई ये सूख चुका है, और हाय फ्रेंड्स आपको काफी अच्छा लग रहा होगा इसका डिजाइन, और काफी लाइट वेट भी अभी। तो चले फ्रेंड्स अब आते हैं इसके फैन पर, भाई हमें मोटर कौन सा लगाना है, प्रोपेलर कौन से लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 मोटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 130 140 अलग अलग इनके नंबर है। फ्रेंड्स यहाँ पर मोटर आप चूज करें, लेकिन ऐसा मोटर चूज करें जो फ्रेंड आवाज बहुत कम करे, और उसके हिसाब से आपको प्रोपेलर पे चुननी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने हल्की मोटर भारी प्रोपेलर लगा दी तो भाई धुएं निकल जाएंगे मोटर में से।
तो भाई हम थोड़ा सा हाई आरपीएम हाई टॉक का मोटर लेंगे और ऐसी प्रोपेलर लेंगे फ्रेंड जो आवाज़ भी ना करे, आपको हवा स्मूथ दे बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो भाई ये काफ़ी अच्छी प्रोपेलर है, छोटी भी है, आवाज़ भी काफ़ी कम करेगी। फिर आते हैं साइड में, जो भी आपके पास हो आप उसे ट्राई जरूर करें। लेकिन फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि भाई जो मोटर है ये जो प्रोपेलर है थोड़ा देखिए मूव हो जाए ऊपर नीचे, देखो इस तरीके से, जिससे भाई थोड़ा सा आपके फेस की तरफ आपको हवा मिल जाए। तो फ्रेंड चलिए इसका जुगाड़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 इंच का पीवीसी का पाइप ले रहा हूँ और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक सॉकेट होता है, ओलेट लगा होता है, और देखिए ये मोटर इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स रुक जाइए एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन चुका है, अब चलिए इस पर कलर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फैन का काम भी हो गया है और फैन को आप अच्छी तरह से मूव कर सकते हो। देखिए मैंने थोड़ा टाइट रखा है जिससे भाई थोड़ा वाइब्रेशन होगा जब ये चलेगा, तो भाई जिससे कि नीचे ऊपर ना हो। देखिए इसे आप थोड़ा सा देखिए, देखिए काफ़ी अच्छी तरह से मजबूती से देखिए ऊपर भी हो रहा और नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसके जो वायर है इसके वायर सीधा यहाँ पे चले गए हैं। देखिए तो चलो फ्रेंड्स अब इसे पावर देने पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं 18650 लैपटॉप की बैटरी यूज कर रहा हूँ, आप मोबाइल की बैटरी भी यूज कर सकते हो। तो 3 बैटरी मैंने यहाँ पे पैरेलल में लगा ली है, प्लस 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 माइनस 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 इस तरीके से। तो फ्रेंड्स एक बैटरी अप्रोक्स 2 एम्पीयर की है, तो यहाँ पे 6 एम्पीयर की बैटरी बन गई। तो फ्रेंड्स ये आपको घंटों बैकअप दे देगी, भाई लाइट भी चला लोगे और फैन भी चला तो आप आराम से बेफिक्र घंटों तक पढ़ाई कर सकते हो। और इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए मैं पावर बैंक मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ, इससे आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो और इस बैटरी को भी रिचार्ज कर सकते हो। आप चाहो तो फ्रेंड्स 5 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल लगा सकते हो, लेकिन वो आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं करेगा, ये फ्रेंड्स आपका मोबाइल रिचार्ज कर देगा और इस बैटरी को भी रिचार्ज कर देगा। यानी कि फ्रेंड्स आपका पावर बैंक का भी काम करेगा, आपको फैन का काम भी करेगा और लैंप का काम भी करेगा, 3-in-1 ही हो गया है। यहाँ पर मैं इसे ऑन ऑफ करने के लिए सेल्फ लॉक ऑन ऑफ पुश स्विच का यूज कर रहा हूँ। देखिए और फ्रेंड्स एक बात और, देखिए एलईडी काफी ब्राइट जलेगी, कंट्रास्ट काफी हाई होती है इसकी, आंखों में लगेगी पढ़ाई नहीं जाएगा सही। तो यहाँ पर हम होममेड डिमर बनाएंगे जिससे फ्रेंड्स आप एलईडी की रोशनी कम या ज्यादा कर सको। तो चलिए पहले मैं इन चीजों को फिट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद डिमर पर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटर कनेक्शन तो कर दिए, देखिए यहाँ पे नेगेटिव वायर है जो वाइट वाला, देखिए बैटरी के नेगेटिव कनेक्ट है, और जो पीला वाला येलो वाला ये फ्रेंड देखिए स्विच से कनेक्ट है सीधा, ठीक है आप देखिए, ठीक है काफ़ी अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छी देखिए आवाज़ मिल रही है, देखिए बहुत ही मस्त काम कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर LED चलाता हूँ, देखिए बहुत ब्राइट LED है, आपकी आंखों में दिक्कत होगी, पढ़ा नहीं जाएगा सही, हाई कंट्रास्ट भी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर डिमर का यूज करते हैं। तो डिमर बनाने के लिए मैं कुछ कॉम्पोनेंट्स आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स 10K का पोटेंशियोमीटर लेना है और भाई BD 139, आप D882 भी ले सकते हो, मैं BD139 यहाँ पर ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, और एक 560 ओम का क्वार्टर वाट में रेजिस्टेंस। तो चलो फ्रेंड्स इसके कनेक्शन बताता हूँ, कनेक्शन हलवा है, मतलब खाए मत जाना, वैसे हलवा नहीं है, सिंपल है बहुत। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ट्रांजिस्टर का बताऊँगा, देखिए फर्स्ट एमिटर, सेकंड बेस और थर्ड कलेक्टर, ठीक है। देखिए जो देखिए यहाँ पर जो एमिटर है, देखिए वो वॉल्यूम जो पोटेंशियोमीटर है उसके फर्स्ट लेग पर और सेकंड पर जो कि एमिटर है, और जो बेस है, बेस देखिए ये बेस जाएगा सीधा LED के नेगेटिव पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो इसको इनपुट है, देखिए ये नेगेटिव है सीधा यहाँ पर एमिटर यानी कि फर्स्ट लेग पर, यानी कि पोटेंशियोमीटर की देखिए फर्स्ट पर, ठीक है हो गया। यानी कि LED का एक इनपुट ये रहा और एक आउटपुट ये रहा। अब आते हैं फ्रेंड इसके पॉजिटिव पर, देखिए दोस्त यहाँ पर रेजिस्टर लगाया था, ठीक है। तो देखिए ये थर्ड लेग पर लग रहा है और देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव लगाने हैं, एक LED का पॉजिटिव है और एक इसमें इनपुट पॉजिटिव है। और भाई ये तो आप जानते ही, देखिए पॉजिटिव गया सीधा मॉड्यूल में, पॉजिटिव लगा दिया, और नेगेटिव गया सीधा मॉड्यूल में, बस
इतना काम करना है। तो चलिए भाई इसे फिट कर लेते हैं। टन टन टन। तो लीजिए फ्रेंड्स ये बन चुका है। चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले भाई मैं इसका लैंप एलईडी चलाऊंगा कि भाई देखते हैं कैसा काम करता है। काफी अच्छा काम कर रहा है देखिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है भाई, ये मेरी आंखों में चुभ रही है पर तो वक्त मुझे आता है बहुत हाई कंट्रास्ट है, यानी फ्रेंड मैं ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाऊंगा। तो भाई चलिए इसके भी सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एज ए डिफ्यूजर फिल्म शीट का यूज करूंगा, ये आपको मोटर वाइडिंग शॉप पर बहुत इजीली मिल जाएगी। लेकिन लगाने से पहले मैं आपको इन दोनों फर्क दिखाता हूँ भाई, इसे लगाने से क्या फर्क होगा, इसे ना लगाने से क्या फर्क होगा। अभी मैंने इसमें कोई डिफ्यूजर नहीं लगाया। अब देखिए ये मैं फिल्म शीट डिफ्यूजर की तरह लगा रहा हूँ। देखिए एक तरफ फ्रेंड्स येलोइश थोड़ी सी लाइट हो गई है और आंखों में नहीं चुभ रही है, काफी आसानी से आप इसे पढ़ सकते हो और फोन बिल्कुल क्लियर एचडी में चमक रहे हैं और आप काफी देर तक एडिट कर सकते हैं। देखिए मैं हटाता हूँ, देखिए ये ब्लू लाइट हो गई है फ्रेंड्स, ये आपको सोने नहीं देगी और आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो भाई इसे जरूर लगाए। तो भाई तो चिपकाने के मैं सॉल्यूशन का यूज कर रहा हूँ, स्टर का यूज कर सकते हैं लेकिन भाई वो काफी दिक्कत कर देती है कभी कभी। बस बहुत ही बढ़िया, अपनी तारीफ करने का मजा ही कुछ और है जब कोई और करता है नहीं। तो चलिए भाई हो गया है और देखिए अब काफी बेहतर है भाई पहले से, और आंख में बिल्कुल जोर भी नहीं पड़ रहा है, मैं आराम से काफी घंटों तक कई दिनों तक पढ़ सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स दिक्कत ये कि भाई कोई साइड में आपको कोई भाई लेटा है या कोई फ्रेंड लेटा है, अब भाई नाइट का टाइम है अंधेरा है तो भाई आंखों में उसकी भी चुभेगी, तो भाई क्या कर सकते हैं इसकी लाइट थोड़ा कम कर सकते हैं। देखिए जैसा आप तो उतना कम कर सकते, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। देखिए बिल्कुल मंदी, देखिए जितना तेज आप चाहे इसे चला सकते हो, देखिए बहुत ही मजेदार, और देखिए इसे एडजस्ट कर सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से। देखिए तो फ्रेंड्स हमारा ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। अब आते हैं इसके फैन पर, फैन का क्या काम है और दोनों का एक साथ चलाए तो कैसा वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे काफी देर होगी पढ़ते पढ़ते, 3-4 सेकंड तो ही होंगे आपके सामने, तो भाई काफी गर्मी लग रही है। चलो फ्रेंड्स फैन ऑन करते हैं। काफी मजा आ रहा है भाई, काफी अच्छी हवा है, लेकिन फ्रेंड्स हवा नीचे जा रही है तो क्या फायदा, चलिए इसे ऊपर कर देते हैं। देखिए बस देखिए भाई कितना सुकून मिल रहा है पढ़ने। फ्रेंड्स थोड़ी सी लाइट सी कम भी कर देता हूँ। अब काफ़ी सुकून से पढ़ा जा रहा है और बहुत मस्त हवा भी लग रही है। देखिए और एक बात हो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हो जो मोटर के थोड़े साउंड क्रिएट कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इन्वर्टर सीपीयू फैन लगा सकते हो, तो बीएलडीसी मोटर होता है, बहुत स्मूथ चलता है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, देखिए थोड़ी बहुत चलता है। और देखिए इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, देखिए क्या मस्त हवा आती है, बहुत ही बेहतरीन। फ्रेंड्स मैंने कम आरपीएम का मोटर इसलिए लगाया है जिससे आपको स्मूथ हवा मिल सके, भाई अगर हाई आरपीएम का मोटर लगाऊंगा तो भाई इतनी परेशान हो जाएगी, किताबें उड़ेंगी, मेरे बाल उड़ेंगे, मेरी शर्ट उड़ जाएगी, मैं नंगा हो जाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भाई इस मारे थोड़ा सा आराम से थोड़ा स्मूथली आराम से आपका हवा मिलते रहे और आप पढ़ने में डिस्टर्ब ना हो। तो चले फ्रेंड्स इसे रिचार्ज करके देखते हैं। ये रहा मोबाइल का चार्जर, मोबाइल लगाया और भाई लगाया, देखिए ब्लिंक हो रहा है, अच्छे से रिचार्ज हो रहा है, खूब आराम चार्ज कीजिए, खूब पढ़िए, खूब आराम से फैन के आगे बैठिए, एक घंटे तक पढ़िए, कितना मजा है। तो चलिए फ्रेंड थोड़ा फायदे पर आते हैं। तो दोस्तों देखिए लैंप चला सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, फैन चला सकते हो, आराम से हवा खा सकते हो, इससे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, मोबाइल बहुत अच्छी तरह से रिचार्ज हो जाएगा। सपोज के फ्रेंड्स ये डाउन है यानी कि लो इसकी बैटरी, तो मोबाइल से इसे भी रिचार्ज कर सकते हो, दोनों इसमें जैक हैं देख सकते हो यहाँ पर, तो बहुत अच्छे काम करेगा। और फ्रेंड्स एक बात और, सपोज कीजिए आप जंगल में जा रहे हो कहीं टॉयलेट करने, तो फ्रेंड उससे क्या होगा भाई, आप आराम से तसल्ली से शांति से बैठ सकते हो। हाँ हाँ भाई मैं ही हूं, ये मैं नहीं करा है, मैं ही बैठा हूं यहां पर। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छे लगे, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों मुझे बताएं आपकी वीडियो कैसे लगी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी, प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा, यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।